हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक अगेन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो अभी चल रही है उदयपुर की सीरीज और मैं अब पहुंच गई हूँ कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ के लास्ट व्लॉग में आपने देखा था तो ट्रूली कुंभा रेजिडेंसी, ये रिजॉर्ट हमने बुक किया था और मैंने कुछ आपको अपने रूम का टूर था उस पिछले व्लॉग में दिया था। इस व्लॉग में मैं बाकी के जो एरियाज हैं वो कवर करूँगी। ये एक पूरा वीडियो होने वाला है होटल के, बाकी के जितने भी एरिया हैं, पार्क एरिया, स्विमिंग एरिया, सारे एरिया जो है और डाइनिंग हॉल, सारे एरिया मैं कवर करूँगी और आपको दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में। और इसके जो नेक्स्ट व्लॉग, आगे के व्लॉग्स में मैं आपके साथ कुंभलगढ़ में हमने कहाँ कहाँ विजिट किया था वो सारे जो है वो व्लॉग्स आने वाले हैं। तो ये पूरे व्लॉग में आपको सारी होटल्स की जो जितनी भी जानकारी है वो आपके साथ शेयर करने वाले, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ब्यूटीफुल सा स्विमिंग पूल का एरिया आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है होटल ये, आप आ सकते हैं। और इसके अलावा व्यू बहुत अच्छा है इसका, रूम सर्विस वगैरह बहुत अच्छी है। ओके, प्ले एरिया, जिम एरिया सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। सामने का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। स्विमिंग पूल रूल्स एंड रेगुलेशंस 9 to 7, डेप्थ 4 feet, किड्स पूल 2 feet। दिखाओ पापा तब किड्स का। सो ये काफी अच्छा, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। बहुत सुंदर है ना, सुनो हम लोग 6 बजे आएंगे और फिर इसमें नहाएंगे, ठीक है? सुंदर है यार, व्यू बहुत अच्छा है इसका यार, होटल तो बहुत सुंदर है, पूरा व्यू आप देख सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल। बच्चों का मन है यहाँ बैठने का, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बैठेंगे। एक बार आप यहाँ से, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो सवेरा हो चुका है और आप देख सकते हैं 6:30 हो रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आज मेरा चेकआउट है यहाँ से, क्लीनिंग का काम चल रहा है हर जगह। ठंडी हवा चल रही है, एकदम बहुत ठंडी हवा है, मेरे पर शॉल वॉल भी नहीं है। यहाँ पे चिड़िया बहुत है और आपको बहुत प्यारी चिड़ियों की आवाज़ आ जाती है, बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही है, आई थिंक आपको सुनाई दे रही होगी। दिस इज द अनदर पार्क, पार्क यहाँ पे आपको 2 मिल जाएंगे। तो एक इधर है और एक उधर और साइड में है, मैंने आपको दिखाया है स्विमिंग पूल के साइड में। यहाँ बहुत ही अच्छा है, आपको ऊपर से दिखाती हूँ। वो उधर है हमारा रूम, कितना प्यारा है, सिटिंग वोटिंग एरिया देख सकते हैं। तो होटल बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, और जब भी आप आते हैं कुंभलगढ़ रुकना चाहते हैं तो होटल में ज़रूर से रुक सकते हैं।
आप ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इसे देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं इसकी। टिफन रेजिडेंसी ज़रूर से चेकआउट करें, देखें। मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है। प्रकृति के बीच में एकदम, यहाँ आपको बालकनी से मोर वगैरह भी दिख जाएंगे। इस तरह के पॉन्ड्स उन्होंने बना बना के रखे हैं, खूबसूरत। पहले स्विमिंग सीख लो। हमको स्विमिंग आती है, आप देख लेना, कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? मिट्टी बेटा पूरी खा लो, पूरी दो। हाँ, और इडली सांभर खा लो। सही है, रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं। सो मॉर्निंग में 19 के मॉर्निंग का ये है, और बच्चे थोड़ा सा पूल में मस्ती कर रहे थे क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम नहीं था कि हम पूल में जा सकें और बच्चे जा सकें, इसलिए थोड़ा सा टाइम हमने नहीं दिया था कि थोड़ी सी मस्ती पूल में कर सकें। और हमारा इस दिन चेकआउट था, अपना व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा जो यहाँ का व्यू था, काफ़ी अच्छा था, फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी थी। सो ब्यूटीफुल, ये गार्डन का व्यू आपको दिख जाता है, गार्डन से बहुत प्यारा व्यू आपको दिख जाता है। चलो चलो वीडियो बनाएंगे, जल्दी करो जल्दी करो। तो ये वीडियो नाइट के टाइम की है, 18 की रात की है। जब हम घूम के आए थे तो मैंने ये वीडियो बनाया था आपके लिए ताकि आप देख सकें अच्छे से। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो होटल बहुत ही अच्छा है। हाँ? क्यों आते नहीं है मेरे पापा? बाबू चले रूम में चले। ट्रूली द कुंभा रेजिडेंसी अ लग्जूरियस रिजॉर्ट, यहाँ पे रुक सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा व्यू है, होटल है, बहुत ही प्यारा। एक बार क्विक रिव्यू मैं आपको दिखती हूँ नाइट के टाइम का, डे का भी मैंने आपको दिखाया है। ये नाइट का है, डे का भी मैंने आपको दिखाया है, और मॉर्निंग की कढ़ाई मैंने शूट किया था वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, और ये है नाइट का। ओके, होटल बहुत ही अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे क्लीन हैं, और अभी काफ़ी कुछ अच्छा बन गया है, बहुत बड़ा रिजॉर्ट आपको रिसीव हो जाता है। ये पार्क है, स्विमिंग पूल है, डाइनिंग एरिया है, जिम है,
और प्लेइंग के लिए भी बहुत कुछ है और काफ़ी अच्छा आपको गार्डन वगैरह का एरिया भी मिल जाता है। यहाँ पे भी गार्डन है, नेक्स्ट उस साइड भी गार्डन आपको रिसीव हो जाता है और हमारा रूम उधर आपको दिख जाएगा। सो मैंने आपको दिन का लुक दिखा दिया था, रात में तो वैसे भी बालकनी से कुछ नहीं दिखता है, ये तो अंधेरा हो चुका है, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा बाहर का व्यू। ओके, एकदम अंधेरा है, आप बहुत गौर से देखोगे तो दिख जाएगा। चेयर्स वगैरह सारी डिटेलिंग मैंने आपको दोपहर में ही दे दी थी। ओके, और रूम सच में काफ़ी अच्छा है, स्पीशियस आपको मिल जाता है, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और हियर आई एम, हमारा जो रूम है वो आपको सुपर डिलक्स रूम मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेशियस रूम मिल जाता है, अच्छी फैसिलिटीज के साथ आपको मिल जाता है। और हाँ, अभी और अच्छे प्रोग्रेस में है भी, और काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट आपको A1 नंबर का रिजॉर्ट जो है आपको रिसीव करना है। मैंने आपको रूम सर्विस दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया है आपको, आशा करती हूँ आपको आज का जो ब्लॉग है ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रैवल के और भी ब्लॉग्स हैं मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो सो गो एंड चेक इट आउट, और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कुछ पिक्चर्स के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आ रहे होंगे। बाय बाय, थैंक यू।